चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंघू बॉर्डर पर एक अज्ञात शख्स की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन स्थल कुंडली में सिंघू बॉर्डर पर गुरुवार की रात एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सिंघू बॉर्डर पर मारे गए युवक की पहचान हुई पंजाब के तरन तारण का, जिसकी हत्या कर दी गई है। आपको बता दें सिंघू बॉर्डर की पूरी घटना है। तरन तारण का रहने वाला युवक बताया जा रहा है, लखवीर सिंह नाम है युवक का। बेरहमी से इसकी हत्या की गई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए, आज सुबह 5 बजे थाना कुंडली में सूचना मिली थी कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी स्टेज के पास एक आदमी का हाथ पांव काट के लटकाया हुआ है। इस सूचना पे हमारे थाने से जो एसआई संदीप है, जिसकी एसडीओ ड्यूटी थी, वो अपने मुलाजमों के साथ मौके पे गया। उसने वहां जाके देखा कि एक आदमी का हाथ पांव काट रखा है, शरीर पे केवल अंडरवियर पहना हुआ था और बैरिगेट के साथ उसकी डेड बॉडी लटकी हुई थी। वहां पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किसने ऐसा किया है, और अभी तक भी उस आदमी की जो है शनाख्त नहीं हो पाई है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और एफआईआर लॉज कर ली है हमने अननोन आदमी के खिलाफ, और उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपको बताया जाएगा। और आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर एक अज्ञात युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्या वाली जगह से भिंडरवाले का पोस्टर भी दिखा है। टेंट पर आतंकी भिंडरवाले का पोस्टर लगा हुआ मिला है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हत्या वाली जगह आतंकी भिंडरावाले का पोस्टर लगा हुआ दिखा। टेंट पर आतंकी भिंडरावाले का पोस्टर देखा गया। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पंजाब के तरन तारण का रहने वाला युवक था जिसकी हत्या कर दी गई थी। तो तरन तारण का रहने वाला युवक जिसकी हत्या की गई है, अब उसकी पहचान हो गई है। और ये भिंडरा वाले की तस्वीर देख सकते हैं आप, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरह से जहां पर ये हत्या हुई वहां पर भिंडरा वाले की तस्वीर पाई गई है। अब इस पूरी स्थिति को लेकर, पूरी घटना को लेकर जांच तेज कर दी गई है। तो हत्या वाली जगह पर आतंकी भिंडरा वाले की तस्वीर का मिलना, जिसे लेकर अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अब इसकी जांच की जाएगी। एक पोस्टर दिखा है जिसमें भिंडरा वाले की तस्वीर लगी हुई थी। टेंट पर आतंकी भिंडरा वाले की तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर जिस तरह से किसान आंदोलन में घटना हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल जी, बीजेपी के नेता हैं। सर, आपने भी वो वीडियो देखे हैं जिस तरह की, क्या लगता है इस घटना के पीछे जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? पहली बात तो जिसने भी गुरु साहब की बेअदबी करने की दुस्साहस किया उसकी हम निंदा करते हैं, और उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए कि की भी है या नहीं है, क्या कारण था, कौन इसके पीछे है। और दूसरा, ये जो इस तरह की तालिबानी तरीके से जो बाजू और टांग काट के लटकाया हुआ है जिंदा व्यक्ति को, ये किसने दुस्साहस किया? इनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये किसान लीडर जो हैं, जथेबंदियों जो है, किसानों का आंदोलन नहीं है, किसान जथेबंदियों का है, तो ये जो जथेबंदियों के लोग हैं इनकी भी गहराई से जांच होनी चाहिए। और ये जो इसके पीछे लोग हैं, और ये लोगों में आतंक फैलाने की एक साजिश है, लोकतंत्र में कभी ऐसा हुआ है? तो जिसने भी, जो भी ये दुस्साहस कर रहा है, उनको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सरकार ने अभी भी ये सख्त सज़ा नहीं दी और अभी भी इस पर सख्ती नहीं की, तो ये देश में आतंकवाद फैलाने की एक साजिश है, इसके पीछे गहरी साजिश है। हरजीत जी, वही हम कह रहे हैं कि जो आपने भी वीडियो देखा, हमने भी देखा, उसमें बैकग्राउंड में तस्वीर में पुराने एक आतंकी का फोटो भी नज़र आ रहा है। अगर आपने गौर से देखा हो, एक बड़ा पोस्टर लगा है जहां पर लटकाया गया है ऐसा। ये तो आपने पहले भी देखा होगा। रुद्र सिंह मानसा ने बोला कि आतंकी लोग इसमें शामिल हैं, तो क्या हुआ था? उसके दूसरे दिन लोगों की टांगें तोड़ दी गई, उसके टेंट तोड़ दिए गए, उसका खूंटा भी टेढ़ा कर दिया, उसके बाद वो आज तक नहीं बोला। राजेवाल ने बोला था तो उसके साथ 35 लोगों की सिक्योरिटी लेके रहना पड़ा, उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। और ये इस आंदोलन के पीछे कुछ और लोग हैं जो ये साजिशें रच रहे हैं। ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से साजिशें हो रही हैं, इसकी जांच करके उन लोगों को सामने लाना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए। ये जो आज की घटना है, ये भी एक गहरी साजिश है, लोगों में आतंक फैलाने की साजिश है।
ताकि कोई इनके सामने बोल ना सके, ये साजिश है। आपको लगता है कि इस आंदोलन को दूसरी तरफ ले जाने की एक कोशिश है, नई साजिश रची जा रही है, देश के खिलाफ भी साजिश हो सकती है? ये शुरू से ही इस तरह की साजिश है, मगर किसान लीडर जो हैं इसमें प्रशासन का और पुलिस का सहयोग नहीं करते। पहले भी इस तरह की गतिविधियाँ होती रही हैं, उसमें ये सहयोग नहीं करते। इनको मेरी प्रार्थना है कि इनको सहयोग करना चाहिए, जैसे इन्होंने हमारी प्रार्थना मान ली कि भाई हिंदू त्यौहारों को निशाना मत बनाओ, अपमानित मत करो दशहरा को, दिवाली को और होली को, तो वो इसी तरह हमारी उनको प्रार्थना है कि इसमें पुलिस और प्रशासन का सहयोग करके उनकी जिम्मेदारी है कि उनको यहाँ से आंदोलन से बाहर कराया जाए और वहाँ से सिंगू बॉर्डर से वो बाहर हों।